हालेलुया। प्रभु जी दा धन्यवाद है कि प्रभु यीशु मसीह ने सानू मौका दिता वी असीं प्रभु यीशु मसीह दे नाम नू महिमा वड़ाई दे सकीए। जिन्हें भी ऑनलाइन देख रहे हो तुसीं सारे ब्लैस हो अज दी मीटिंग दे द्वारा। हालेलुया। और अज दा दिन बड़ा खास है। ईस्टर तो बाद एक पजामा दिन बनता है, पेंटीकोस्टल दा दिन, जिस दिन पवित्र आत्मा जी इस धरती उत्ते आई और अपने चेलियां नू अपने रूह नाल भर दिता। हालेलुया। यीशु मसीह जी दे जी उठन तो बाद 40 दिन यीशु मसीह जी अपने चेलियां नू दर्शन दिंदे रहे। दर्शन देन तो बाद जो 40वें दिन प्रभु जी उठाए गए और प्रभु उन्होंने तगीद करके गए ने भी तुसी उन्नी देर बाहर नहीं निकलना जद तक तुसी पवित्र आत्मा ना पा लो। और अज का जिहड़ा दिन आ इह 50वां दिन आ। 10 दिन चेलियां ने मेहनत की पवित्र आत्मा पाउण दे लई। 41वें दिन तो लैके 50 दिन जिहड़ा 50वां दिन अज बनता मेहनत की चेलियां ने। अज असीं मेहनत घट करदे आ ते कहने भी सानू वड्डे वड्डे काम प्रभु करन दी ताकत दे दे। 10 दिन चेले बैठे, 19 देर उन्होंने प्रचार नहीं किया, 19 देर उन्होंने गवाहियां नहीं दित्तियां, जिन्नी देर पवित्र आत्मा नहीं पाया। अज असीं यीशु मसीह च आने बाद विच रौला रप्पा पहला पाउण लग पैने आ। मेहनत करदे नहीं असीं। अज पेंटीकोस्टल दा दिन आ, इह जिहड़ा त्यौहार है इजराइल दे विच मनाया जांदा सी। और अज दे दिन सारे यहूदी सामरी नजीरियन जिथे जिथे दे भी लोग सी यरूशलम दे विच की हुंदे सीगे, इकट्ठे हुंदे सीगे। फेस्टिवल सीगा अज दे दिन। और चेले एक चुबारे दे विच बैठे आ, दुआ कर रहे आ, प्रार्थना कर रहे आ। उन्हां नूं पता भी प्रभु ने सानू आग्या दित्ती है। जो तुसीं पढ़दे आ बुक ऑफ एक्ट रसूलां दे करतब पहला भाग ओदी 8 आई फर्स्ट चैप्टर वर्स 8 अते जां पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते आवेगा तां तुसीं शक्ति पाओगे अते यरूशलम और सारे यहूदियां अते सामरिया विच सगों धरती दे बन्ने तक मेरे नाम दे गवाह होवोगे। हालेलुया। हालेलुया। की कह रहे प्रभु जी, जदो तुसी की पाओगे? शक्ति पाओगे, पवित्र आत्मा पाओगे अते शक्ति पाओगे यरूशलम यहूदिया सामरिया सगों धरती दे बन्ने तक मेरे की हो जाओगे? गवाह हो जाओगे। पवित्र आत्मा तो बिना तुसी गवाही भी नहीं दे सकते। शक्ति कोई सुपरमैन वाली पावर नहीं आ जानी भी उंगल मारांगे विचों शक्ति निकलूगी, अखां चों शक्तियां निकलनगियां, भी इदां हत्थ करांगे चीजां तां नूं उड़ जाणगियां छूं करके छूं, वो शक्ति नहीं आए। ये आत्मिक पावर आ, शैतान नाल फाइट करन वाली पावर मिलूगी। हालेलुया। जिहदे कोल पवित्र आत्मा नहीं, वो शैतान नाल भी नहीं लड़ सकदा, वो डरेगा शैतान तों। ते जिहदे कोल पवित्र आत्मा वा वो शैतान दा सामना करेगा। हालेलुया। शैतान दा की करेगा? वो सामना करेगा। शक्ति पाओगे तुसी। अज असीं पवित्र आत्मा लई किन्नी कु मेहनत करदे आ। चेलियां ने 10 दिन मेहनत कीती आ। इहदी 14 आयत विच लिखिआ, पहले चैप्टर दी 14 आयत विच लिखिआ, पढ़ दिओ वी। इह सब ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 15ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਪਤਰਸ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ 120 ਕੁ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਭਾਈਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਅਗੇਤਰੀ ਲਿਖੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 14 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ,
भी प्रभु जी दे माता जी भी उन्होंने भैन भरा भी सारे की कर रहे हैं जी प्रार्थना कर रहे की हो गए इकट्ठे हो गए एक मन हो गए। 15 ऐत विच पतरस खड़ा हो गया और 120 चेले ते चेलियां बैठे उन्हें देखो पुराने नेम दे विचों भी रिमेंबर कराया कहिंदा याद करो पुराने नेम विच पवित्र आत्मा जी का नाम लैके क्या दाऊदी जबानी आख्या गया सी यहूदा दे बारे जिन्हें यीशु जी नू फड़वा दिता मतलब कि उन्होंने ये चीज जिहड़ी रिमेंबर करवा रहा इसलिए करवा रहा भी सानू पवित्र आत्मा की क्यों लोड़ आ भी आने वाली चीजा भी हो बड़ा ढिला जा बोलते हैं दाऊद नू 400-500-600 साल पहला ही पवित्र आत्मा ने दसिया सी दाऊद की जुबानी लिखा गया कहिंदा भी पवित्र आत्मा ने दसिया भी चेला जिहड़ा यहूदा की करूगा प्रभु नू फड़वावेगा हुण एक भविष्यवाणी अज दे समय विच आपां कर दईए तुसीं 2-3 साल तक देख नहीं लिया पूरी तां तो जिहड़ी 400-500-600 साल लंघ जाने साढ़े पता नहीं किन्नियां पीढ़ियां मर के खत्म हो के वह पता नहीं कित्थे तक उन्होंने पिछलियां दा भी नाम भुल जाना चल दूर की जाना अपने पड़दादे दे पड़दादे दा भी नाम नहीं सानू पता दादे दा पता होऊ पड़दादे दा पता होऊ फिर पड़दादे दे दादे दा नाम नहीं पता होना फिर उहदे पिछे दादे दा नाम नहीं पता होना ते इत्थे दाऊद दा की नाम है इन्हां नू याद आ पवित्र आत्मा दीयां बड़ियां खासियतां वरदान है उहदे जदों मिलदे आ अज असीं पवित्र आत्मा जी दी घट खोज करदे आ अज असीं दुनियावी बरकतां दी खोज करदे आ अज असीं बिलीव रखदे आ भी जे मेरी स्टडी हाई आ मैं पढ़िया लिखिया ज्यादा इंग्लिश आउंदी है बाइबल मैं 4-5 वारी रीड कर ली शायद मैनूं नॉलेज आ गई नहीं जे पवित्र आत्मा नहीं है ना तो तू शनशन करन वाला की आ छहना वा पवित्र आत्मा तुहानूं बुद्ध दिंदा समझ दिंदा चाहे तुसीं चिट्टे अनपढ़ क्यों ना होवो जे आत्मा तुहाडे विच आ गया ना परमेश्वर ने तुहानूं बुद्धिमान बना देना वा हालेलुया बुद्धिमान बना देना परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की खोज करो ये मिलता वा जो तुसीं दुआ च बहिंदे आ जो तुसीं प्रभु नूं कहिंदे आ प्रभु जी मैनूं कुछ नहीं चाहिए मैनूं खुदावन जी तेरा पवित्र आत्मा चाहिए क्योंकि प्रभु ने प्रोमिस किए हुए पढ़ दिओ जो उन्हां दी अंजील 14 पाग उहदी 16 आयत प्रभु ने प्रोमिस किया हुआ वा ते प्रोमिस जिहड़ा किए ना खुदा ने कभी भी अपने वादियां तो मुकरदा नहीं है जो उन्हां दी अंजील मैं अपने पिता तो मंगागा और वह तुहानूं दूजा सहायक बख्शेगा भई वह सदा तुहाडे संग रहे हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह जी कहते मैं अपने पिता तो मंगागा और वह तुहानूं दूजा सहायक बख्शेगा भई वह सदा ही तुहाडे की रहे प्रभु यीशु मसीह ने पिता दे कोलों मंगिया ते तुहानूं की दिता वा सहायक दिता वा जिदा आदम नूं अदन दे बाग दे विच बनाया अते प्रभु ने आख्या चंगा नहीं आदम इकला रवे इस वास्ते उहदे लई की बनाती सी औरत बनाई की सी की उहदी सहायकन सी उहदी सहायता करे उते हुक्म ना चलावे उहदी की करे सहायता करे उहनूं गाइड करे दसे भी आपां इदां करांगे जिदा आदम कहेगा चलो ठीक है जी ते प्रभु कहिंदा मैं तुहानूं की दूंगा इत्थे दूजा पहली सत्ता जी सहायकन होगी पत्नी जिहड़ी तुहानूं दुनिया दे उत्ते गाइड करदी आ जां दुनिया दे उत्ते आपां देखदे आं इकट्ठे मिल के चलदे ने और आत्मिक तरीके दे नाल तुहाडी सहायता वास्ते कौन आ गया इन्हें की करनी है तुहाडी आत्मा दे विच सहायता करनी है भी तुसीं जिथे गलत होण लगेंगे आत्मा ने कहना यह काम की हो रहा जी गलत हो रहा नहीं करना आत्मा ने यह गल टोकनी है तुहानूं आत्मा नहीं आ ते तुसीं जो मर्जी करी जाओ कोई आवाज नहीं आनी कई होंगे ने गलती करके भी कहते नहीं मैं सही किया समझो तो आत्मा नहीं जो बंदा गलत तो नुकसान हो गया उन्होंने रिलाइज होंगे ना यार मेरे तो की होगी है गलती होगी मैं माफ़ी मंगनी यार भाई तो भैन तो मैं माफ़ी मंगनी मैं यार दिल दिखाता मैंने बड़ी बेचैनी जी लगी है तू आत्मा अंदरों तोड़ता पाया तुहानू अंदरों की तोड़ता पाया आत्मा तोड़ता इतों समझो पवित्र आत्मा तुहाडे नाल गल कर रहा आत्मा तुहानू पुश करता नहीं तू चल ये काम कर ये गलत हो गया तो गलती मान ला माफ़ी मांग ला भी नाराज नहीं होना चाहिए आ चीज़ नहीं होनी चाहिए इतने पता लगता भी रूह का काम हो रहा
ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝੋ ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੜੇ अर्थात सच्चाई दा आत्मा जेनू जगत नहीं पा सकदा, दुनिया नहीं पा सकदी एनू। अर्थात सच्चाई दा आत्मा जेनू जगत नहीं पा सकदा, नहीं पा सकदा। क्यों? जो ओ उसनू वेखदा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? जो ओ उसनू वेखदा नहीं आ। इत्थे हुण ध्यान देना, जगत क्यों नहीं पा सकदा? क्योंकि संसार जो लोग ने वह खुदा की इच्छा पूरा नहीं करते, परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं चलना। उन्होंने उन्होंने पाप गुनाह दे विच फसना ते खुदा नूं पाप तो घिणना आउंदी आ, खुदा नूं पाप तो घिणना आउंदी आ। ते रूह भी इसे तरह ही आ, रूह भी इसे तरह ही, उन्होंने भी पवित्र आत्मा जी नूं भी पाप तो की आउंदी आ, घिणना आउंदी आ। जो जगत के लोग इस चीज के उत्ते पहली गल बिलीव नहीं करना भी पवित्र आत्मा ऐदा कि रूह आ जी। उन्होंने जो कह तो पंजाबी कहना लिया तो फिर बाबे सिर आने लग पे, ऐदा तो बाबे सिर आ गया जी। हालेलुया। ये तो जो खुदा के लोग है उन्होंने वास्ते आ। किन्ने तुसी गोल्डन कह लो लकी लोग हो, तुहानूं गोल्डन मौका मिलिया, गोल्डन चांस है तुहाडे लई भी तुसी किस्मत वाले लोग हो भी ये जिहड़ी तुहानूं एक मौका जिहड़ा दित्ता सिर्फ और सिर्फ मसीह लोगों के लिए आ। इहनूं हर कोई नहीं पा सकता, इहनूं खरीदण की भी कोशिश की थी नवे नियम दे विच। शिमोन जादूगर है कोई, उन्हें पतरस नूं देखिया लोगों के हथ रख के की कर रहे हैं, फिलिपुस होनी पतरस होनी लोगों के हथ रख रख के की कर रहे हैं, ते लोकी की भर रहे हैं, पवित्र आत्मा ना भर रहे हैं। वो आया कहिंदा आ जिहड़ा काम तुसी करदे हो ना आ पैसे लै लो ते मैनू भी ये ताकत जादू मैनू भी सिखा दिओ पावर। ते पतरस गुस्से च आ गया, उत्थे पतरस लाल पीला हो गया, कहिंदा तू प्रभु दे काम नूं प्रभु दे रूह नूं खरीदण दी कोशिश कीती, तू ते तेरा पैसा नास हो जाणगे। तो नाल ही माफिया मंगण लग पिया, गलती हो गई जी, गलती हो गई। ये पैसे नाल पवित्र आत्मा नहीं मिलता, इनू दुनिया नहीं पा सकती। इनू जिहड़े पाउंदे ने ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 4 ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਰਥਾਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਦਾ ਆਤਮਾ ਵਾ, झूठ दा, हेरा फेरी दा, पैसे दा, कादा आत्मा जी है। ते पिता भगत कड़े लभदा वा, सच्चे भगत लभदा, ते आत्मा भी सच्चे भगतां नूं मिलदा। बहुते लोग है जिहड़े पवित्र आत्मा नूं वेची भी जांदे आ, लिआओ जी 5000 रुपया दो तैनूं मसा कर देवां, मसे लई दुआ कर देवां, तेरे च पवित्र आत्मा की समर्थ काम करूगी। ओ 5000 ना पवित्र आत्मा की समर्थ नहीं काम करदी। तौबा करके बपतिस्मा लैके जो तुसीं सच्चे दिल नाल रब की भगती करते हो फिर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आउंदा तुहाडी जिंदगी दे विच। हालेलुया। सच्चाई दा आत्मा, सच्चाई दा आत्मा जो आवेगा दुनिया पा नहीं सकती क्योंकि वह वेखदा नहीं। तो तुसीं किस्मत वाले लोग हो भी आत्मा तुहानूं विखदा भी आ, जो अखा बंद कर दे अंतर ध्यान हों इहदी शेप जिस भी तुसीं मन दे विच सोचदे हो तुहानूं उस शेप दे विच आत्मा नजर आउंदा है। हालेलुया। लोकां ने पवित्र आत्मा जदों यीशु मसीह उतरिया किहड़े रूप च देखिया ई? कलाम दे विच दस रहा वेखदा वा आत्मा, कादे रूप च वेखिया आ के? तो जदों चेले दुआ करदे उदों किहड़े रूप च देखिया उन्होंने? अग जिहियां जीभां उतरदियां वेखियां। हुण मैनूं तुसीं दस्सो तुसीं किहड़े रूप च देखिया आत्मा? हालेलुया। हरेक नूं अलग रूप च दिसदा, इह वी तुहानूं चीज़ दस दवां। जदों तुसीं कई वारी अंतर ध्यान हुंदे हो दुआ करदे हो रूह नाल भर जांदे हो तुहानूं अग दिसदी है।
तुहानू की दिसदी है? अग दिसदी है। कई बार तुहानू इदां नजर आता है भी कोई भाई जां कोई भैण आया तुहाडे उत्ते, तुहाडे उत्ते हथ रख दिता, उन्हें आके की रख दिता तुहाडे उत्ते हथ रख दिता। कई बार आवाज आउंदी है, की आउंदी है? आवाज आउंदी है, कन्नां विच आवाज पैंदी है। हालेलुया। कहिंदे नहीं आत्मा ने मेरे नाल की कीती है जी, अज गलबात कीती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा अज भी नजर आता, दुनिया नहीं वेख सकती, लिखा दुनिया नहीं वेख सकती, इनू वेखते भी वह ने जिहड़े सच्चाई दे नाल चलदे ने, जिन्होंने सारा दिन झूठ बोल के रात को पांच मिनट दुआ करनी, उन्हें दर्शन भी ज्यादा देखने, उन्हें गल्लां भी ज्यादा करनी, सारा दिन फिल्मा देख के शाम को पवित्र आत्मा मेरे नाल गल की गल की, कहिंदा भी उन्होंने जाके कह दी तू दुआ नहीं करता। हालेलुया। सारा दिन झूठ बोल के चोरी करके रात को पवित्र आत्मा जी की करते उहदे नाल गल्लां, उह कोई आत्मा नहीं गल करता, उदों उहदा अपना ही आत्मा गल्लां करन डिया हुंदा उहदे नाल, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਰਖ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ, मैं तुहाडे कोल आवांगा। हालेलुया। हालेलुया। बड़ा अच्छा लिखिया है, अर्थात सच्चाई दा आत्मा जिनू जगत नहीं पा सकदा क्यों जो ओ उसनू वेखदा नहीं ना उसनू जानदा है, तुसी उसनू जानदे हो क्योंकि ओ तुहाडे संग रहिंदा है अते तुहाडे विच होवेगा। मैं तुहानू अनाथ ना छड्डांगा, मैं तुहाडे कोल आवांगा। पवित्र आत्मा जी ने उन्नी देर ताडे नाल रहना है जिन्नी देर यीशु मसीह जी। हालेलुया। हालेलुया। ताडी उन्नी देर सहायता होनी है जिन्नी देर यीशु मसीह जी आ नहीं जांदे। और खुदा दे कलाम च लिखिया तुसी इहनू जानदे हो, तुसी पवित्र आत्मा जी नू जानदे हो क्यों जो ओ तुहाडे संग रहिंदा वा। ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। खुदा दे कलाम च लिखा जी शायर नबी दी किताब च, उन्हां लोकां ने पवित्र आत्मा नूं की करता, अका दिता सी, पवित्र आत्मा नूं अका दिता। ते अज भी बहुते लोक जिहड़े आत्मा नूं की कर दिंदे आ, अका दिंदे आ, नाराज कर दिंदे आ। नवें नियम दे विच भी लिखा है पवित्र आत्मा नूं उदास ना करो, पवित्र आत्मा नूं उदास ना करो। जदों तुसीं ना रूह दी आवाज़ नहीं सुणदे, खुदा दे हुकम च नहीं चलदे, बाहर दौड़े फिरदे हो कलाम तों, आत्मा की हुंदा वा? उदास हो जांदा, उदास हो जांदा, हो नाराज हुंदा है तुहाडे तों, वी यार इह तां मेरी गल ही नहीं सुणदा, इह तां मेरी मनदा ही नहीं है। ते पवित्र आत्मा जी उदों तुहाडे तों वखरे हुंदे ने तुहाडी गलती दे कारण, प्रभु नहीं उहनूं अड करदा, तुसीं आप अड करदे हो। तुसीं अपनी घरवाली नूं चार पंज गल्लां कह दिओ, गुस्से हो के परले कमरे च जांदी जां नहीं जांदी, बोलो, दो तीन थप्पड़ छड़ दिओ, सौर मापियां ते जांदी कि नहीं जांदी, फिर बोलदे नहीं, थोड़ा जिहा उच्ची आवाज़ नाल हुंदियां घरां च इदां कि नहीं हुंदियां। ते पवित्र आत्मा नाल इदां तुसीं करोगे, जदों उहनूं नाराज करोगे, पाप करी जाओगे, गलत काम करी जाओगे, पवित्र आत्मा जी ने भी तुहाडे तों की हो जाणा वा, अलग हो जाणा वा। अज बहुते लोगों इस तरीके नाल होया होया, आत्मा छड्ड के गया होया वा, अड होया होया आत्मा उन्हां तों, आत्मा उन्हां तों नाराज होया होया, उदास होया होया उन्हां दी गलतियां दा करके, क्योंकि वह गलतियां दे विच फसे हुए हैं। हालेलुया। पढ़ांगे पंद्रह यूहन्ना दी अंजील पंद्रह भाग उहदी 26 आयत भी है। अज पवित्र आत्मा जी दे बारे आपां इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अज पेंतीकोस्टल दा दिन है, ते मैं चाहना भी अज तुसी भी रूह दे नाल भर के जाओ, पवित्र आत्मा नूं पाओ। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ दिओ 26 आयत। जां ओ सहायक आवे
जिन्हों मैं तुहाडे कोल पिता दी वलों कलांगा अर्थात सच्चाई दा आत्मा जिहड़ा पिता वलों निकलदा है तां ओ मेरे हक विच साखी देवेगा। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा जी दा मकसद सुनना हुण बड़े ध्यान नाल। मकसद पवित्र आत्मा जी दा की आ? जदों सच्चाई दा आत्मा आऊगा उन्हें यीशु मसीह दे हक विच बोलना वा। किहदे हक विच बोलना? प्रभु यीशु मसीह जी दे हक विच बोलना पवित्र आत्मा ने। वो किसे बंदे दी बड़ाई नहीं करूगा भी वो बंदा फलाना बड़ा बल्ला 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 भी बड़ी पावर ओदे च ओए च बड़ी ताकत है। पवित्र आत्मा ये नहीं कहूगा। पवित्र आत्मा एको गल कहूगा यीशु मसीह दे विच पावर आ, यीशु मसीह दे नाम च पावर आ, यीशु मसीह दे ब्लड च पावर आ। हालेलुया। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह दे हक विच की करूगा? गवाही देवेगा। चाहे वह पास्टर क्यों ना होवे, मैं क्यों ना वा, मैं भी यीशु मसीह दे हक विच गवाही देना वा भी यीशु मसीह तो अलावा दुनिया ते कोई नहीं है जिहड़ा सानू स्वर्ग च ले जा सके। हालेलुया। खुदा दे कलाम जो ही लिखा होया है 14 भाग जी दे लिखा सी पहली दूजी आयत विच पवित्र आत्मा जी है जिहदे कोल ना उह कदे भी परमेश्वर नूं श्रापित नहीं कहूगा। ते जिहदे कोल आत्मा नहीं उह परमेश्वर नूं की कहिंदा वा? यीशु की आ श्रापित है। ते जिन्हां लोकां कोल आत्मा नहीं उही यीशु मसीह नूं ऊट पटांग बोलदे ने। जिन्हां कोल पवित्र आत्मा ते यीशु मसीह दे बारे इन्ने सोहणियां सोहणियां गल्लां कहिंदा ऐदां दीआं दुनिया दे उत्ते उह गल्लां दा हाले तक कह दिओ ना भी शब्द बणे ही नहीं आ जिद्दां दे शब्द पवित्र आत्मा यीशु मसीह दे बारे कहिंदा। क्योंकि पवित्र आत्मा पिता दे वल्लों यीशु मसीह भेजदा वा और यीशु मसीह दे हक विच ओह बोलदा। ते जिहड़ा बंदा दुख विच आके कहण लग पैंदा लै प्रभु ने की मेरा कीता, प्रभु ने तो मेरी माड़ी कीती, प्रभु ने तो आ कीता, मैं नहीं यीशु मसीह नूं मनणा, समझो उहदे विच पवित्र आत्मा नहीं आ। उहदे विच पवित्र आत्मा नहीं आ जिहड़ा यीशु मसीह नूं बोलदा उल्ट पुल्ट, चाहे उह पास्टर ही क्यों ना होवे। क्योंकि पवित्र आत्मा कदी भी यीशु मसीह दे खिलाफ नहीं बोल सकदा। और एक पाप इन्ना वड्डा वा जिहड़ा कदी भी माफ नहीं हो सकता। बड़े ध्यान नाल सुनना, एक पाप आ जिहड़ा कदी भी माफ नहीं हो सकता। वह पाप केड़ा वा? वह पाप खुदा दे कलाम दे विच लिखिया होया भी तुसी यीशु मसीह नूं भी कुछ कह लोगे तो माफ हो जूगा, भी तुसी होर भी जो मर्जी माड़ा चंगा पास्टर नूं, पास्टर की पत्नी नूं, कलीसिया नूं होर जो मर्जी बोल दिओ माफ हो जूगा। जिहड़ा बंदा पवित्र आत्मा जी दे खिलाफ बोलदा ना धरती ते ना ही स्वर्ग दे विच ओहदा पाप माफ कदी माफी नहीं मिलनी। चाहे 7 रोजे रख लो, चाहे 40 रोजे रख लो, चाहे तुसीं मैं कहना 100 रोजा रख लो, चाहे पादरी साहब तो 1,00,000 रुपया दे के दवा करा लो माफी। ये बड़े सीरियस गल है, तो समझदारी नाल चलना। अपने बच्चियां नूं भी सिखाउणा है पवित्र आत्मा जी का मजाक भी नहीं उड़ाना। साढ़े क्रिश्चियन लोगों के हैबिट होंगी है कोई भैन रूह ना भरती तो उसकी नकल करनी, उसकी की करनी? नकल करनी। कोई भैन गैर भाषा बोलती उसकी गैर भाषा की नकल करनी, मजाक उड़ाना, ठठियां दे विच उड़ाउंदे ने ते माफी नहीं मिलनी। मैं नहीं कहिंदा, खुदा का कलाम कहिंदा, ये गल दर्ज है प्रभु के कलाम दे विच नवें नियम दे विच भी कहिंदा तुहाडा सारे पाप माफ हो जाणगे। पर जिहड़ा बंदा पवित्र आत्मा जी दे खिलाफ बोलूगा ओनू कदी भी माफी नहीं मिलेगी। यही पाप एक इदां दा वा जिहदी माफी है नहीं गी, जिहदी माफी है नहीं गी। ये चीज तुहानू दसदा किस तरीके नाल रिलेटेड है। कोई तुहानू गालां कढ़ी जाओ तुसीं बर्दाश्त कर लैणी आ, जदों कि तुहाडी भैण नूं जां तुहाडी मां नूं गाल कढ़ूगे तुहाडे तों बर्दाश्त नहीं होणी, तुहाडे तों बर्दाश्त नहीं होणी, तुसीं मारन तक जाणा। घर वाली नूं भी कढ़ दू कोई नहीं, पर जदों तुहाडी भैण नूं जां तुहाडी बेटी नूं गाल कढ़ती ना किसे ने, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਾਲ ਇਹਨੇ ਕੱਢੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੜ ਸਿਆੜ ਸਿਆੜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸਟਰ ਹੋਵੇ,
चाहे जिड्डा मर्जी विश्वासी पुराना हो माफी नहीं मिलनी, माफी नहीं मिलनी। कभी मजाक ना उड़ाओ पवित्र आत्मा का, कभी पवित्र आत्मा जी के खिलाफ ना बोलो, कभी ना बोलो पवित्र आत्मा जी के खिलाफ। और इस चीज तो बचो, परहेज करो इस चीज तो, किते ना होवे सी सजा पा लीए। और सुनो नवे नेम दे विच लिखिया ना रसूलां दे करतब पांच भाग दे विच ही पढ़ना नहीं है, सुनो बस। उहदे च झूठ किहदे नाल बोलिया सी हनन्याह ते शफीरा ने, किहदे नाल बोलिया जी? गल पतरस ना करन दा ते झूठ किहदे नाल पतरस कह रहे तुसीं बोलन दे हो? पवित्र आत्मा दे नाल। पहली सदी दी कलीसिया वा ते की होगी उहनां नूं, की मिल गई जी? मौत दी सजा मिल गई। पवित्र आत्मा जी ना झूठ भी, पवित्र आत्मा जी एक छोटी जी बेनती है, मैं इस लायक तो नहीं हाँ। जो असीं रब दे दास नाल झूठ बोलते हैं तो किहदे नाल झूठ बोलते हैं? कलीसिया भी ध्यान देवे और सेवादार भी ध्यान दे। सच्चाई जे दस दूंगे कोई कुटमार तो पैनी नहीं। सच बोलन दे विच ए आ वी ढाडे लई भाई दुआ करनगे, पास्टर दुआ करूगा ढाडी जिंदगी दे विच भलाई आवेगी। तो जदों तुसीं एक झूठ बोलदे हो उहनू लुकाउण दे लई 100 झूठ बोलने पैंदे, तां इन्ने च तुसीं सजा लै लैंदे हो। की लै लैंदे हो? सजा। जरूरी नहीं मौत दी सजा ही आउंदी, होर कई तरह दीआं सजावां जिंदगी च आ जांदीआं ने झूठ बोलन दे नाल। इस चीज़ तों परहेज करो कलीसिया। और जिन्हें भी कलीसियां सुनदियां ने जिहड़े जिहड़े अपने पास्टरां दे नाल ने, झूठ बोलन तों डरो। जिहड़े रूह ते सच्चाई नाल खादम चलदे ने, उह खादमां दे विच खुदा दा रूह हुंदा है, परमेश्वर दा पवित्र आत्मा काम करदा है, ते झूठ नहीं बोलना चाहीदा। मैं अपनी कलीसिया नूं भी कहिंदा वां वी झूठ ना बोलिया करो। जदों रब दे दास दे मोहरे आउंदे आ कदी वी झूठ ना बोलो, ना झूठ बोलो, सच्चाई दस दिओ। कितें गोली थोड़ो वज्जणी आ भी जाके तो भी कुट पै जानी है। सच बोलन च किन्ना कहते भी इन्हें कहना पास्टर जी आह काम होया सी असीं माफी मांग लैने ऐ भी झूठ बोलन डे उन्हें जी मैं इदा सी, मैं नहीं जी मैं उत्थे तो है ही नहीं सी, मैं उत्थे इदा कीती नहीं जी, मैं तो आह करदा सीगा जी, मैं आह करदा जी। कई न्याणे गेम भी खेडी जांदे जी, मैं कहते पुछ लैण तुसीं गेम खेलदे? नहीं नहीं पास्टर जी हुण तां मैं गेम खेलदा नहीं। साफ ही झूठ बोल दिंदे आ। कई बच्चे भी ढाडे माँ बाप ने इदा कहिंदे ना फोन च गेम खेडण जांदे, जो डैडी मम्मी नाल ही होम बटन दब के पिछे पूरा बैक चलते की कह रहे मैं तो फोटो देख दिया गेम थोड़ो खेलता ही, झूठ है ये, ना बोलिया करो। क्योंकि खुदा दे रूह दे नाल जदों झूठ बोलते हैं सजावां आ जांदियां ने। हालेलुया। हुण पवित्र आत्मा जी तुहानू जदों मिलदे आ उह प्रभु यीशु मसीह दी वडियाई करदा वा। पवित्र आत्मा जी अगवाई करदे ने, प्रभु यीशु मसीह दे हक विच अगवाई देणगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कदी किसी बंदे की वडियाई नहीं करनी। उन्होंने एको गल ही कहनी है, जो कुछ भी है प्रभु यीशु मसीह जी आ। हालेलुया। हुण पवित्र आत्मा दे वरदानां दे बारे असीं देखणा वा। जदों पवित्र आत्मा जी तुहानू मिलदे ने ते वरदान भी तुहानू मिलदे आ। की मिलदे आ? वरदान मिलदे आ। पढ़ांगे पहला ग्रंथिया उहदा 12 भाग, पहला ग्रंथिया उहदा 12 भाग उहदी 4 ऐ तो स्टार्ट करेंगे। 4 रहन दिओ, तुसीं 8 तो कर दिओ, 8 तो स्टार्ट कर दिओ। सात तो स्टार्ट करो, सात तो, सात तो। पहला करंथिया 12 भाग उहदी 7 आयत। पर आत्मा दा प्रकाश जो सबना दे लाभ दे लई है एक एक नूं दित्ता जांदा है। एक नूं तां आत्मा दे राहीं ज्ञान दी गल प्राप्त हुंदी है। एक गिफ्ट है आत्मा दा, पवित्र आत्मा दा की है जी? ये पहला गिफ्ट है। पहला की मिलना जी तुहानू ज्ञान मिलना। जदों पवित्र आत्मा हुंदा ना बंदे नूं की आ जांदा वा? ज्ञान आ जांदा, बुद्धि मान बणाउंदा है प्रभु यीशु मसीह। मूर्खां तों बुद्धि मान बनाउंदा है परमेश्वर, विजडम दिंदा है तुहानू, नॉलेज दिंदा है परमेश्वर तुहानू, समझ दिंदा है। तां पर कई इदां दे हुंदे ने मसीह च आ के भी बेवकूफियां वालियां गल्लां करदे रहिंदे ने। मसीह विच आ के भी बेवकूफियां वालियां गल्लां, काम ही बेवकूफ वाले करदे रहिंदे ने।
क्यों? क्योंकि उन्होंने हले तक पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा आजगा तो कभी भी मूर्ख वाली गल नहीं करोगे। मूर्खपन वाले प्रभु कहता मूर्खपन वाले प्रश्न तो पछा मुड़ो, दूर रवो। क्यों? जो खुदा का रूह आऊगा तो सिखाऊगा तुम बोलना की है, तु चलना कि। हाँ जी पढ़ दो। दुए नू उसे आत्मा दे अनुसार विद्या दी गल, दुए नू उसे आत्मा दे अनुसार विद्या दी गल। विद्या मतलब पढ़ाई, कादी पढ़ाई। एक मेरे नाल फ्रेंड सीगा बाहर, 2008 दी गल है, कतर दे विच गुरदासपुर दा सीगा लड़का, नाम तो मैनू याद नहीं, भुल गया, अनपढ़ सीगा, बिल्कुल अनपढ़, मतलब कि स्कूल दे विच पहली जमात विच भी नहीं गया। वह प्रभु दे अगे एको ही दुआ करता सी, जदों रूह दे विच चलिया भी, प्रभु जी मैं तेरे कलाम नू पढ़ना चाहना, मैं तेरे कलाम नू पढ़ना चाहना वा, भी मैनू समझ दे दे प्रभु जी पढ़न दी। होया कि परमेश्वर ने जदों नू रूह दिता, अपना पवित्र आत्मा दिता, वह पंजाबी पढ़न लग पिया। की पढ़न लग पिया? तो जदों पंजाबी पढ़न लग पिया, उहदी खुशी दा टिकाणा ही है नहीं कोई, उदी खुशी का टिकाणा ही है नहीं कोई। भी पंजाबी पढ़न लग पिया, बाइबल पढ़न लग पिया, बाइबल पढ़न लग पिया। तो जदन उन्हें बाइबल पढ़न की शुरू की, मतलब कि वह जोड़ ला ला के, अक्षर ला ला के पढ़न लग पिया, पप्पा उत्ते टिप्पी कन्ना सियारी बिहारी दलैंकड़े, वह बड़ा खुश हो गया, दौड़ा फिरे ते बकाले तो जाके ना लड्डू का जो 6 पीस होंगे वह लैके आया, उन्हें खवाए। कहता भी मैनू प्रभु ने पढ़न की दिती है? शक्ति दिती, ताकत दिती है। मैं तुम सच दसदा, जो तुम खुदा दे अगे अपनी कोई सिफारिश रखते हो, कोई मंग रखते हो रूह के प्रति, तो परमेश्वर दिंदा वा। हालेलुया। अज लोग कोई मंग मंगी जाते, मैनू भविष्यवाणी वाला आत्मा दे दे, मैनू भविष्यवाणी वाला आत्मा दे दे, मैनू भविष्यवाणी वाला आत्मा दे दे। कोई होर चीज भी मंग के देख लो भी, प्रभु जी जो कोई गैर भाषा बोलता मैनू ओदी ट्रांसलेशन करने वाला की दे दे, आत्मा दे दे। ये चीज तो मंगते ही नहीं है। कभी मांगते हो प्रभु जी मैनू ज्ञान वाला आत्मा दे? सुलेमान नू केड़ा आत्मा दिता प्रभु ने? ज्ञान ते बुद्ध वाला आत्मा दिता सी। ते जिहड़ा दानियल सी उहदे विच केड़ा आत्मा सी? ज्ञान ते बुद्ध वाला आत्मा सी। दानियल दे अंदर ज्ञान ते बुद्ध वाला आत्मा जिहदे नाल उह भरदा सीगा, ते तां ही ज्ञान इन्ना सी, बुद्ध इन्नी सी वी उहनूं सराज दे सपने नू डीकोड करता। की करता? डी कोड करता, मतलब कि उन्हें सपने नू लै के देख के परमेश्वर के द्वारा उहदा अर्थ दस दिता, डी कोड करना, अर्थ कढ़ना उहदा। हालेलुया। अज असीं की मंगा मंगी जांदे आ? बस अज दे समय च ट्रेंड चलता भविष्यवाणी वाला आत्मा दे दे। किहड़ा आत्मा? भविष्यवाणी वाला आत्मा। ओए दो तीन खड़े हुंदे आ उहनां दे थले ना, प्रोफेट शिंदा सिंह, प्रोफेट बिंदा सिंह, प्रोफेट मिंदा सिंह। ओए बस प्रोफेट ही चलन दिया सारे पासे। क्यों? क्यों? क्योंकि डिमांड ये रखी हुई नहीं। कोई खुदा दे विच इन्ना ज्ञान आत्मा वा, इन्ने वरदान मांगदे हो भी प्रभु जी समझ दे, ज्ञान दे, बाइबल दा ज्ञान तुहानू मिल जाना, विद्या दे प्रभु जी भी मैं बाइबल दी स्टडी अच्छे तरीके नाल कर सकां ते समझ सकां। एको ही वरदान मगर पै होए आ, जां तां चंगियाई वाला आत्मा दे दे, जां फिर केड़ा आत्मा? इन्हां दोनों आत्मा नू अही नींबू वांगू निचोड़न लगे होए आ। पंजाब दे विच यही दो चीजां चलदियां अजकल, जिदा रट्टे मर्जी मारी जाओ भी कलाम पढ़ दे, कहना यार इस ऐट दा मतलब की है, मैनूं पता नहीं लगा। अज पता नहीं लगा क्यों? क्योंकि समझ वाला आत्मा है नहीं। हाँ जी अगे पढ़ो मनजीत सिंह जी, होर भी आत्मा। अते होर किसे नू उसे आत्मा तो निश्चा, अते होर किसे नू उसे आत्मा तो नरोया नरोया करन दियां दातां, अते होर किसे नू उसे, अते होर किसे नू करामाता विखाउण दी समर्थ, अते होर किसे नू अगम वाक, अते होर किसे नू आत्मा दियां पहचाना, अते होर अनेक प्रकार दियां भाषा, अते होर किसे नू भाषा दा अर्थ करना। हालेलुया। हालेलुया। हुण इन्ने वरदान आ ते तुसीं ज्यादातर किहड़े वरदान देखे आ? तुसीं ज्यादातर किहड़े वरदान देखे आ जी? अच्छा चलो मैनूं एक गल दस्सनी, तुसीं कदी इदां दा वरदान देखिआ किसे तों अज तक अपनी अखां दे मूहरे?
भी कोई गैर भाषा बोलता भी नाल दा बंदा दी ट्रांसलेशन करता होवे क्योंकि इहदी डिमांड बहुत घट आ इहदी डिमांड की है जी बहुत घट आ जबकि खुदा दे कलाम दे विच बड़े अच्छे तरीके नाल लिखा होया फिर कहिंदा किसी नूं आत्मावां दी पहचान करन दा भी आत्मावां फिर किसी नूं अगम वाक करन दा किसी नूं करामात विखाउण दा किसी नूं नरोया करन दा करामाता दिखाउणियां अलग आ ते चंगा करना अलग आ फिर नेचा दा भी आत्मावां किहड़ा आत्मा लिखा उसे आत्मा तो नेचा दा अते किसे होर नूं इको आत्मा तो नरोया करन दा दात अते किसे नूं करामात विखाउण दा समर्थ अते किसे नूं अगम वाक करन दा ते होर प्रकार दीआं भाषा मतलब कि होर प्रकार दीआं भाषावां भी जिहड़ीआं आपां बोलदे आं इह भी आत्मा दे द्वारा बोलियां जांदीआं और फिर लिखिया अते होर नूं अनेक प्रकार दीआं भाषा होर किसे नूं भाषा दा अर्थ करना भाषा का अर्थ भी यह भी एक आत्मा वरदान है आत्मा यह सब कुछ करता है जिस तरह चाहता है हरेक नूं एक एक करके वंड दिंदा है हालेलुया हुण तुसीं चर्च विच इन्ने जने आउंदे हो लाइव इन्ने जने सुणदे हो इन्हां वरदानां विचों तुसीं कदी डिमांड रखी प्रभु दे मूहरे भी मैनूं आह वरदान दो प्रभु जी मैं दस तेन पवित्र आत्मा जी के बारे पता होना चाहिए सिर्फ एक चीज सुनते पवित्र आत्मा आया ते गैर भाषा बोलनी है पवित्र आत्मा जी जो मिलना की बोलनी है जी गैर भाषा बोलनी मेरे तो कई भैन भरा आते दवावा करवाते पास्टर जी मैं गैर भाषा नहीं मिली हले तक मैं आत्मा नहीं था मतलब मिलिया जरूरी नहीं भी गैर भाषा वाला एक अलग आत्मा वा मतलब कि वो एक लभ अलग वरदान आर आत्मा के अलग वरदान भी आ कई वरदान मिले होंगे पर उन्होंने समझ नहीं होंगी दूजा देता हों वा उन्होंने वरदान मिलता पर समझ नहीं होंगी वो एको गल ही कही जाते हैं मैनू भाषा चाहिए आ मैनू गैर भाषा चाहिए आ मैनू कि भाषा चाहिए आ जी और गैर भाषा पवित्र आत्मा समझ दिया गैर भाषा पवित्र आत्मा नहीं आ ये वरदान आ ये की है जी एक दिमाग चीज बिठाओ गैर भाषा पवित्र आत्मा नहीं आ गैर भाषा वरदान आ गैर भाषा की आ वरदान आ जिहड़ा पवित्र आत्मा वा उहदे विच इह फ्रूट आ इह प्रभु दे जिहड़े पवित्र आत्मा उहदे फल आ उहदे वरदान आ जिहड़े तुसीं लैणे आ कईआं नूं मिले होए आ कईआं नूं समझ ही नहीं आ कईआं नूं समझ ही नहीं आ हालेलुया अज बस एक चीज है जब गैर भाषा ज भविष्यवाणी करने का आत्मा मिल जाए जा ज्यादा जी चंगियाई पास्टर जी मेरे द्वारा चंगियाई नहीं होंगी दुआ कर दौ मैं जेते हाथ रखा वो माई भुड़क जाए चंगी हो जाए जा तो फिर बात चढ़ाई कर जाए जा ठां आ जाए भी बीबी ऐदा हो जाए ठीक हो जाए आज वरदान मंगी जाने ये जो बाकी वरदान है कदों पौने भी प्रभु जी मैनू ज्ञान दे बुद्ध दे समझ दे विद्या दे पहचान दे मैं रूहां नूं की कर सका पहचान सका भी ये प्रभु वालों आ जां शैतान वालों आ हालेलुया पवित्र आत्मा जी दे विचों भी पवित्र आत्मा जी जो हम पढ़ते हैं गलातिया की किताब के विचों पांच भाग चो उस च पवित्र आत्मा जी के बारे लिखा है उसके फलों के बारे लिखा है हालेलुया मतलब कि पवित्र आत्मा अज तुसी जे पाउणा वा ना ते तुहानू एक मन होके बहना पैना दुआ करनी पैनी है जदों आत्मा पा गया आ गया तुहाडे जीवन दे विच तुहाडे इहने सुभा नूं बदल देना इन्हें जो परमेश्वर का सुनना उही तुहानू कहना खुदा दे कलाम च लिखा आत्मा जो कुछ सुनेगा प्रभु वल्लों उह कुछ ही तुहानू दसेगा भी उन्हें अपने कोलों कुछ नहीं बोलना पवित्र आत्मा ने यह नहीं भी पवित्र आत्मा अज अपने वल्लों ही बोली जाए उन्हें जो प्रभु ने कहना उन्हें उही गल बोलनी फिर वो तुहानू सिखावेगा भी दुआ करनी किदां वा पवित्र आत्मा जी ने मैं तुहानू दस्सिया बहुत लंबा टॉपिक आ भी तुहानू सिखावेगा भी तुसीं दुआ किस तरीके नाल करनी आ किदां करनी आ कादे वास्ते करनी आ तुहानू शब्द देवेगा भी आ शब्द बोल जदों पवित्र आत्मा होवेगा तुहाडे कोल पहले जबूर जी दुष्टां दी मत उत्ते मखौलियां दी जुंडी च भी बहना ही नहीं आ जुंडी जिदां दी च बहना ही नहीं आ क्योंकि पवित्र आत्मा जिहड़ा तुहानू मिलिया ना जो तो तुसीं गलत थां ते जांदे आ इहने तुहानू छड्ड के चल जाणा हालेलुया
वरदाना के बारे, ये जो वरदान है तुम्हें मिलने जो तुम दुआ करनी है, जो तुम प्रार्थना करनी पवित्र आत्मा जी ने आ जाना और इन्हें तुम्हें कि गिफ्ट मांगते हो। जो तुम दुआ च बहने प्रभु को प्रभु जी मैंने बुद्धि वाला आत्मा दे, समझ वाला आत्मा दे, मैं विद्या वाला आत्मा दे, प्रभु जी मैं पहचान वाला आत्मा दे, प्रभु तुम वरदान देगा उस समय। हाले लुईया हाले लुईया। गैर भाषा तो तुम्हें मिलनी मिलनी, खुदा दिता है वह भी वरदान है, वह मिलना ही मिलना है, पर प्रभु तुम कहो ये वरदान देना, मैं होर वरदान भी दे, भी मैं समझ सकां प्रभु जी तेरे कलाम नूं, मैं बुद्धि समझ दे, भी मैं तेरे लोगों के नाल अच्छे तरीके नाल डील कर सकां। जो तुम ये दुआवा करते हैं पवित्र आत्मा जी तुहाडी जिंदगी च काम करते हैं। हालेलुया। आत्मा अकत होके भर के तुहाडे लई की करदे आई, सिफारिश करता तुहानूं पता, प्रभु दे अगे यही बेनती करता, प्रभु जी इस भाई नूं बरकत दे, प्रभु जी इस भरा नूं की कर बरकत दे, इहदी रूहानी रूहानी बरकत नाल भर दे, इहदियां स्पिरिचुअल अखां खोल दे। ये साडे लई सिफारिश करता पवित्र आत्मा, दिन रात मनजीत जी तुहाडे लई, भाई बब्बी जी पूरी कलीसिया लई पवित्र आत्मा भी दुआ करता, तुहानूं पता तुहाडे वास्ते की करता पवित्र आत्मा, तुहाडे लई इत्थों सिफारिश करता ते उपर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर दे सिंघासन दे सज्जे पासे बैठे की करदे तुहाडे लई सिफारिश, तुहाडे लई दो सिफारिशां, तुहाडे लई किन्नियां सिफारिशां, दो सिफारिशां पै रहियां तुहाडे लई। हालेलुया। क्योंकि खुदा दे कलाम दे विच दो जिहड़े बहुत वधिया, खुदा दे कलाम च लिखा एक गवाही आ गई तां वी एडी पावरफुल नहीं, पर जदों एक तो दो गवाह हो जाण ओह मन्नण दे योग आ गवाही, इह गुरा दे कलाम च लिखिआ होइआ। तुहाडे लई दो सिफारिशां वा जिहड़ियां उपर प्रभु दे परमेश्वर की हजूरी विच पहुँच रही, तो देखो तुसीं किन्ने वधिया लोक हो, तुहाडे विच खुदा दा रूह वसदा है। पर मैं कहना चाहुंदा इहनूं गवायो ना, चेलिया ने पाया तो गवाया नहीं है, तो तुम जब तक धरती उत्ते हैं पवित्र आत्मा का काम है, जिनी देर तुम इतने मर नहीं जाते शरीर को छड नहीं देंगे उन्नी देर इन्हें ढेर रहना वा, तो जो तुम शरीर को छड़िया ढाडी रूह तो पवित्र आत्मा जी नाल ही ढे उपर तान। हालेलुया। ये पासपोर्ट की तरह काम करता पवित्र आत्मा, कदे वारा पवित्र आत्मा जी जो तुम जाने उपर स्वर्ग के गेट के कोल जाके टिंग टिंग घंटी बजी, हाँ जी कौन जी, पवित्र आत्मा जी कहेंगे ना नहीं लै रहा, कह रहे बिशप साहब जी आए ने नाल ही अंदर तक छड़ के आने। हालेलुया। पासपोर्ट की तरह पवित्र आत्मा काम करता वा, तो जिहदे कोल पवित्र आत्मा वा वह बंदा स्वर्ग के लिए तैयार हो चुका वा। तुहानू बंद करो, दुआ करो वे प्रभु जी सचमुच खुदावन जी तुसीं अपने कलाम के द्वारा ये गहरियां गल्लां दसियां, अपने रूह दियां गल्लां दसियां प्रभु जी, भी सचमुच प्रभु जी मैं तेरे रूह नूं कदी भी गवावां ना, तेरे रूह दे द्वारा चलां और अलग अलग वरदानां नूं पावां प्रभु जी, भी सचमुच प्रभु जी मैं सिर्फ गैर भाषा ही ना बोलां, मैनूं होर भी वरदान जिहड़े रूह दे प्रभु जी उहनां वरदानां दे नाल भी भर दे। जिन्ने भी ऑनलाइन देखदे हो अज दे कलाम तुहाडी जिंदगी च 100 गुणा बरकत लैके आवे और तुसीं पवित्र आत्मा जी दियां इहनां गल्लां नूं समझ सको और खुदा दे कलाम दे द्वारा चल सको और इहनां वरदानां नूं तुसीं ग्रहण कर सको। गॉड ब्लैस यू। प्रभु तुहानूं बहुत बरकत देवे।